कर दोस्तों, मीत सीरियल का आने वाला एपिसोड आप लोगों के लिए घना ही दिलचस्प देखने को मिलने वाला है दोस्तों। जब आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीके से बात की जाए इस समय मीत हुड्डा की, तो इस समय मीत हुड्डा बहुत ज़्यादा टेंशन में नजर आ रही हैं, क्योंकि दोस्तों मीत हुड्डा का मानना यह है कि मुझे इस समय डिवोर्स ले लेना ही चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि शगुन और मनमीत के बीच में सब कुछ ख़राब हो जाए। क्योंकि दोस्तों मीत हुड्डा ने ये तक बोल दिया है इस समय मनमीत पहलवान से कि मनमीत मैं चाहती हूँ कि जिससे तुम प्यार करते हो उसी से तुम्हारी शादी होनी चाहिए, क्योंकि डिवोर्स लोगे तो जो तुमने पप्पा जी को जवान दी थी उस जवान को तुम्हारी कंप्लीट भी हो जाएगी, क्योंकि तुम उस जवान को नहीं रखो, क्योंकि मैं देख लूँगी मेरे जीवन में क्या होना है। आप लोग जानते ही हैं कि इस समय काफ़ी बड़ा ट्विस्ट भी देखने को मिलने वाला है दोस्तों, जब आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से मनमीत से लगातार मीत हुड्डा वो चीज़ बोलती हुई नज़र आ रही हैं कि जो चीज़ वाकई में इस समय कहीं ना कहीं वाजिब भी हैं। साथ ही दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जल्दी ही आप लोगों के बीच में कहानी में एक बार फिर से एक और भी नया ट्विस्ट भी देखने को मिलने वाला है। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि वहीं पे ही मनमीत ये चीज़ बोलता हुआ नजर आने वाला है कि जो होगा वो देखा जाएगा, लेकिन मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दे रहा हूँ। और वाकई में दोस्तों डिवोर्स ना देने के पीछे भी कई कारण देखने को मिल रहे हैं दोस्तों। साथ ही आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जल्दी ही आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से शगुन को अपने रास्ते से खुद मनमीत हटाता हुआ नज़र आने वाला है, क्योंकि मनमीत का मानना यह है कि जो हो रहा है वो कहीं ना कहीं सही नहीं हो रहा है, क्योंकि वो मीत हुड्डा का साथ नहीं छोड़ेगा, मनमीत ने खुद ने बोल दिया है। साथ ही दोस्तों मेरा नाम है रोहित नागर, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में आप लोग वीडियो को लाइक करें, क्योंकि दोस्तों मनमीत की जानकारी और मीत हुड्डा की जानकारी कि डिवोर्स हो गया नहीं उसकी मैं पल पल की अपडेट अपने YouTube चैनल तक आप लोगों तक पहुंचाता रहूंगा दोस्तों। उसके लिए आप लोगों से अनुरोध करना चाहूंगा गाइज, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद